NCP leader Tariq Anwar on Wednesday refuted speculations that his party had a secret pact with BJP in the forthcoming assembly polls in Maharashtra. Former Maharashtra Chief Minister Prithviraj Chauhan had alleged that the NCP and the BJP had a secret pact to topple his government, and both the party will join hands after the assembly polls in Maharashtra. तो ऐसी बात इस तरह का जो अनुमान लगाया जाता है या इस तरह की बातें जो फैलाई जाती हैं, ये सिर्फ पार्टी को नुकसान करने के लिए, उसका बिल्कुल नहीं मिलाएंगे, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हमारा उनका मतभेद है, जैसा मैंने कहा वैचारिक मतभेद है, और कांग्रेस के साथ हम इसीलिए गए थे कि हमारा उनका वैचारिक एकता थी, उसमें नजदीक थे हम उनके, इसलिए हम उनके साथ गए थे। Anwar also claimed that the BJP has always supported controversial people, and even the Saffron Party's national president was on a bail. भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा चेहरा रहा है, और अमित शाह खुद अभी भी वो जमानत पर हैं, और उनके जो अभी सर्वे एक रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया था कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो जीत कर लोग आए हैं वर्तमान सांसद, उसमें सबसे ज़्यादा जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे बड़ी संख्या उनकी है। तो दोहरा चेहरा उनका हमेशा रहा है, भाषण और उपदेश देने में देते हैं, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है कि हमेशा उन्होंने ऐसे लोगों को जो कंट्रोवर्शियल हैं, विवादित हैं, उनका सहयोग लिया है। Powered by NNIS.